आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। चावल को बॉईल करके किस तरह से खुला और बिखरा हुआ बनाना है और इसके लिए किस ट्रिक का हमें उपयोग करना है तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अपने किचन में। चावल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है और एक आधा नींबू लिया मैंने। चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अभी मैं इसको पानी से निकाल दिया है और ये चावल थोड़े से हमारे फूल गए हैं। मैं इसको गर्म पानी में डालूंगी। देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। मैं इसके अंदर आधा नींबू डालूंगी। नमक स्वाद के अनुसार इसके अंदर धुले हुए चावल डाल रही हूँ। मैंने सारे चावल इसमें डाल दिया है। अब इसको हल्का सा हिलाना है। मैंने चावल में ज़्यादा पानी होगा तो हमारे गीले हो जाएंगे, इसलिए इसको जितना चावल है उसका चार गुना पानी चाहिए। और अभी उबाल आ जाए तो इसको मीडियम आंच पे करना है। देखिए हमारा उबलने लग गया है। अब इसकी आंच को मीडियम कर देंगे। ये पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल डाला है और अब इसको मीडियम आंच पे कर देते हैं। और इसको मिक्स करना है। फिर हल्का सा इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। इस तरह से हमें ढक्कन लगाना है ताकि पानी बाहर नहीं आए बॉयल होके। देखिए हमारा चावल बन गया होगा। हम चेक करते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा चावल कितना खुला खुला बना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये चावल कितना डबल हो गया है। जितना पकाया जितना चावल था दाना उससे भी डबल हो गया है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हमारा जो चावल लिया था मैंने ये छोटा दाना है और ये जिस ट्रिक से हमने बनाया है ये फूल कर इसका डबल हो गया है और एकदम भी गला नहीं है। देखिए बहुत ही खुला खुला चावल बना है हमारा। अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई है तो इस तरह से आप चावल बनाएं, कोई भी चावल हो। मैंने ये कोलम चावल लिया है। अगर आप कोई भी चावल लेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे तो वो एकदम से गलेंगे नहीं और खुले खुले बनेंगे और ये सर्व करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम सोचते हैं कि मेहमान आए हुए हैं तो हमको चावल अच्छे बनाने हैं, खुले खुले होने चाहिए, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा चावल बहुत ही टेस्टी और बिखरे हुए बनेंगे। अगर आपको मेरा ये ट्रिक पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए। थैंक यू। एकदम से खुला खुला चावल बनना एकदम बिखरा बिखरा बिल्कुल भी गला नहीं है, तो इस तरीके से आप बनाएं तो बहुत ही टेस्टी चावल और खुला खुला बनेगा। थैंक यू।